दोस्तों, ईटिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए इसके लिए हमने बहुत टाइम स्पेंड करके कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्वीट्स, यानी याद रखने में भी मीठा है और बोलने में भी मीठा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं, और एक बार आपने याद कर लिया और इसको फॉलो कर लिया तो ऐसे खान पीन में आपने बदलाव करके इसको इस्तेमाल किया तो फॉर श्योर ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला और कॉन्स्टिपेशन सब में आपको फायदा होगा। अब पहले ऐसे है सीजनल फूड ऑब्लिक फ्रूट। यानी आपने जो भी चीज खानी है वो मौसम की खानी है। सपोज इस मौसम में आम होता है तो हमको खाना है, सर्दियों में आम नहीं होता तो हमको नहीं खाना, क्योंकि जो चीज़ मौसम के बगैर हम खाते हैं वो कोल्ड स्टोर से लाई गई होती है, और किसी भी चीज़ को जब प्रिजर्व किया जाता है तो उसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं। और दूसरी बात है, एज पर लॉ ऑफ नेचर आप जो भी खाते हो अगर वो सीजनल है, कुदरत वही चीज़ उस सीजन में पैदा करती है जिसकी ज़रूरत होती है, तो हमेशा सीजनल फूड और सीजनल फ्रूट ही खाना चाहिए। उसके बाद दूसरा इसमें वर्ड है स्वीट्स में डब्ल्यू। अब डब्ल्यू से है कि हमारा वाटर इंटेक या लिक्विड इंटेक कितना होना चाहिए। देखिए, आइडियली हमारा वाटर इंटेक उतना ही होना चाहिए जितनी हमें प्यास लगती है, पर कुछ लोगों को प्यास ही बहुत कम लगती है। तो अगर हम एवरेज आउट करें तो 10 से 12 गिलास एक आदमी को पानी रोज पीना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए उसमें से 2 गिलास ल्यूक वार्म वाटर मॉर्निंग में पिया जाए। दूसरा लिक्विड में आता है दूध। दूध आदमी को पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? अगर किसी को दूध पीने से एसिडिटी नहीं होती और उसकी डाइजेशन अच्छी है तो फॉर श्योर उसको रात को दूध पीना चाहिए, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन रिलीव होती है। ई यानी ईट स्लोली। खाना हमेशा इत्मीनान से धीरे धीरे खाना चाहिए, खाना कभी भी जल्दी में नहीं खाना चाहिए, उससे हमारी डाइजेशन अच्छी रहती है। फोर्थ पॉइंट जो ई है उसमें है ईट लिमिटेड, यानी कि आपको हमेशा जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाना चाहिए, उससे आपका खाना बेहतर पचता है, डाइजेशन अच्छी रहती है और स्टूल पासिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि हमारी डाइजेशन अच्छी होती है। तो हमें हमेशा लिमिटेड खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जैसे कि फास्ट फूड वगैरह आप लेते हो, समटाइम्स आपको पता नहीं लगता, आप ओवर ईटिंग कर लेते हो, या खाने के बाद किसी ने कहा कि अभी ये खा लो तो आप खा लेते हो, ऐसा नहीं करना। आपका एक रूटीन सेट होना चाहिए और आपको हमेशा टाइम पे खाना है और लिमिटेड खाना चाहिए। और फिफ्थ पॉइंट है टी कि टाइमिंग शुड बी प्रॉपर। खाने का समय हमेशा प्रॉपर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपका एक रूटीन होना चाहिए कि मुझे ब्रेकफास्ट इतने टाइम पे करना है, लंच इतने टाइम पे करना है और डिनर इतने टाइम पे करना है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप उस रूटीन को फॉलो करिए। पर इसमें ये ध्यान जरूर रखिए कि जब आपको पूरी भूख लगी है तभी खाना खाइए, अगर आपको भूख नहीं है तो उस मील को आपको स्किप कर देना चाहिए। लास्ट पॉइंट है सॉफ्टन योर फूड बिफोर स्वेलिंग। यानी अपने खाने को च्यू करके इतना लिक्विफाई कर देना चाहिए कि आप इजीली उसको च्यू कर पाए, उसको डाइजेशन उसकी अच्छी हो जाए। तो हमें खाने को बहुत अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए।